14 मई 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बहादुर शाह जफर ने दिल्ली में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की थी। मेरठ में 10 मई 1857 को ब्रिटिश भारतीय सेना के सिपाहियों ने स्वतंत्रता का बिगुल बजाया और दिल्ली की तरफ कूच किया। दिल्ली पहुंचकर बहादुर शाह जफर को उन्होंने अपनी सेवा स्वीकार करने को कहा। बहादुर शाह जफर ने सिपाहियों की अपील स्वीकार कर ली और हिंदुस्तान के सम्राट के रूप में सिपाहियों का नेतृत्व संभाल लिया। अपने बेटों और शाही परिवार के अन्य सदस्यों के साथ बहादुर शाह जफर चांदनी चौक गए और देशभक्त सिपाहियों को संबोधित किया। चूँकि सिपाहियों के समर्थकों संप्रभु शासक के रूप में उनका सम्मान करते थे, इसलिए बहादुर शाह जफर के नाम पर ब्रिटिश कंपनी शासन के विरुद्ध भड़की वो आग देश के अनेक भागों में तेजी से फैलने लगी। बहादुर शाह जफर ने 14 मई 1857 को दिल्ली में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की। उन्होंने सभी हिंदू और मुस्लिम अधिकारियों, राव और राजाओं से दरबार में आने की अपील की। उन्होंने सभी से सहयोग की इच्छा भी व्यक्त की और इस प्रकार जागीरदारों और अमीरों के पास परिपत्र भेजकर उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध में शामिल होने को कहा। अगले 4 महीनों तक दिल्ली प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का केंद्र बनी रही, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। आज हम स्वाधीनता सेनानी अरुण चंद्र गुहा का भी स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 14 मई 1892 को बंगाल के बारीसाल में हुआ था। गुहा सरस्वती लाइब्रेरी के नाम से प्रकाशन हाउस चलाते थे। इसके माध्यम से वे राष्ट्रीय भावना से भरपूर आलेख प्रकाशित करते थे। गुहा ने स्वाधीनता नाम का साप्ताहिक भी प्रकाशित किया, जिसे 1930 में प्रतिबंधित कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने स्वाधीनता साप्ताहिक के 4 संपादकों को राजद्रोही ठहरा दिया। अरुण चंद्र गुहा 1906 में जुगांतर पार्टी में शामिल हो गए। जुगांतर पार्टी की गतिविधियों में शामिल होने की वजह से उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया और नजरबंद रखा गया। उन्हें 1920 में असहयोग आंदोलन के दौरान भी गिरफ्तार किया गया। रिहा होने के बाद गुहा पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य बन गए। उसके बाद अरुण चंद्र गुहा 1923 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में शामिल हो गए और 26 साल तक उसके सदस्य रहे। अरुण चंद्र गुहा पश्चिम बंगाल से भारत की संविधान सभा के लिए भी निर्वाचित हुए। उन्होंने संविधान सभा की चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने पहली, दूसरी और तीसरी लोकसभा में सांसद के रूप में भी सेवा की। गुहा प्रसिद्ध लेखक भी थे। उनकी प्रमुख पुस्तकों में अरबिंदो एंड जुगांतर, सृष्टि और सभ्यता और देश परिचय शामिल है। महान राष्ट्रवादी अरुण चंद्र गुहा को हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। हम आज सुधांशु बिमल चंद्र को भी याद कर रहे हैं, जो के चटगांव के निवासी थे। सुधांशु अनुशीलन समिति के सक्रिय सदस्य थे। क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने के कारण उन्हें 31 मई 1935 को गिरफ्तार किया गया और चटगांव जेल भेज दिया गया। उन्हें 1935 में जैसोर के केशवपुर में नजरबंद किया गया, जहां 14 मई 1936 को उनका निधन हो गया। महान स्वाधीनता सेनानी सुधांशु बिमल चंद्र को शत शत नमन। आज राष्ट्रवादी अल्लाह बख्श सुमरो की पुण्यतिथि भी है। उनका जन्म सिंध प्रांत में 1903 में हुआ था। अल्लाह बख्श जमींदार और सरकारी ठेकेदार थे। सिंध प्रांत बनने के बाद उन्होंने इत्तेहाद पार्टी बनाई। 1937 में विधानसभा चुनाव में इत्तेहाद पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई और अल्लाह बख्श मुख्यमंत्री बने। अल्लाह बख्श के नेतृत्व में सरकार ने 1938 से 1942 तक काम किया। सच्चे राष्ट्रवादी होने के नाते अल्लाह बख्श ने मुस्लिम लीग की अलगाववादी राजनीति में शामिल होने से इनकार कर दिया। 1940 में जब दिल्ली में अखिल भारतीय आजाद कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, तो अल्लाह बख्श को सत्र की अध्यक्षता सौंपी गई। जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, तो उन्होंने सत्याग्रहियों की मदद के लिए कराची में एक बड़ा बंगला किराए पर लिया। वो सत्याग्रहियों की मदद के लिए कराची जेल भी गए। सितंबर 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन अपने चरम पर था, तो उन्होंने डिफेंस काउंसिल से त्याग पत्र दे दिया और विरोध में अंग्रेजों की दी गई पदवी भी लौटा दी। दुर्भाग्य से मुस्लिम लीग के कट्टरपंथियों ने 14 मई 1943
1941 को बहादुर राष्ट्रवादी अल्लाह बख्श सुमरो की उस समय हत्या कर दी जब वे तांगे में बैठकर अपने शहर से शिकारपुर जा रहे थे। मातृभूमि के इस महान सपूत अल्लाह बख्श सुमरो को हमारा शत शत नमन।